प्रदेश में बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं अब इस अभियान में ग्राम पंचायत भी आगे आने लगी है। अंबाला की ग्राम पंचायत मेतला में पंचायत ने एक ऐसी पहल की जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अंबाला की ग्राम पंचायत मेतला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मेतला गांव की पंचायत ने ऐलान किया है कि किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उसकी 21,000 रुपए की एफडी करवाई जाएगी, जिसका पैसा गांव के लोग अपने पास से इकट्ठा करके देंगे। इसके साथ ही गाँव की पंचायत उस दिन 51 पौधे गाँव में लगाएगी ताकि पर्यावरण में सुधार हो। साथ ही साथ बेटियों का जन्मदिन भी पंचायत केक काट कर मनाएगी। इसके अलावा गांव में कोई शख्स कन्या भ्रूण हत्या या लिंग जांच की सूचना देगा तो उसे 11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गांव में अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उसकी सूचना देने वाले को भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारी पंचायत ने ये फैसला लिया है कि बेटी जन्मी तो उसको 21,000 रुपए की एफडी करवाई दी जाएगी। हाँ जी, तो 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो भ्रूण हत्या के बारे में हमको इसकी सूचना देगा। 51 पौधे लगवाए जाएंगे बेटी जन्मी तो उसके जन्म पर, तो उसका जन्मदिन सारा गांव इकट्ठा होकर मनाया जाएगा। दिन प्रति दिन अपना ये लेडीज का लिंग अनुपात कम होता जा रहा है, तो उसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि कोई भी कन्या जो पैदा होगी तो उसके जन्म पे उसके नाम से सर्वसम्मति से सारा गांव जो है 21,000 रुपए की एफडी करवाएगा, ताकि अपना स्टडी के टाइम में और शादी के टाइम में उसके माता पिता को कोई परेशानी ना हो तो उनके काम आ सके। अंबाला का गांव मेतला कोई स्मार्ट गांव नहीं है, लेकिन इसकी सोच काफी स्मार्ट है। मेतला गांव आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा गांव नहीं है। गांव में करीब 547 लोग रहते हैं, लेकिन गांव के लोगों की सोच काफी बड़ी है। गांव को हाल ही में इंद्रधनुष योजना में 2 स्टार हासिल हुए हैं। गांव में 290 लड़कों के पीछे 257 लड़कियां हैं, जो बताता है कि गांव की पंचायत का जागरूकता अभियान काम कर रहा है। जनता टीवी के लिए अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल की रिपोर्ट।